तोड़ फाड़ आइडिया। तोड़ फाड़? पहले तोड़ के बारे में बताएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, झूठ बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हें ये दिला देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे, वो हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। ये है तोड़ फाड़। पर फाड़ेंगे का? स्नेहा माथुर का चरित्र। तुम्हारा अभी भोपाल जाना जरूरी है क्या? पूरब से मिले कितने दिन हो गए, मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। आओ बेटी, आओ बैठो। बेटा ब्रेकिंग न्यूज है, तुम्हारी माँ भोपाल जा रही। हाँ, हमारा बेटा भोपाल में, लेकिन आपको पता है उससे मिलने से ज्यादा मुश्किल है इससे मिलना। क्या करूं माँ, काम इतना है कि वक्त कम पड़ जाता है। ठीक है बेटे, हम सब समझते हैं, जो कुछ तुम कर रही हो हमें गर्व है तुम पर। बाबूजी, मैंने एक अहम फैसला लिया है। शुक्र है, अब तो शादी जरूर होगी। तारीख क्या तय की है? नहीं माँ, वो बात नहीं है। बेटे हमें पूरा यकीन है तुम पर, तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। बताओ क्या बात है? बाबूजी, मैंने तय किया है कि मैं इस साल सरपंच के चुनाव लड़ूंगी। क्या? एक बार फिर से कहना, तुमने अभी क्या कहा? माँ, मैं इस साल सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ूंगी। पगला गई है तू? वैसे क्या तेरे कम दुश्मन है इस गांव में? अरे सुन तो लो वो क्या कहना चाह रहा है। सुनना क्या है, आपको पता है ना उस विनोदिनी के पीछे किसका हाथ है? माँ, और तू नहीं जानती? गुंडे हैं वो, उनसे लड़ना हमारा काम नहीं है, और तुझे इसमें कोई खतरा नहीं दिखता? दिखता है माँ, मगर मैं खतरे से नहीं डरती। बाबूजी, मैंने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है, इस गांव के लिए बहुत जरूरी। बेटी, फैसले लेने का तुम्हें पूरा अधिकार है, लेकिन तुम्हारी माँ जो कह रही है वो भी सही है। बेटा तुम चुनाव लड़ोगी, हमें हर पल तुम्हारी फिक्र रहेगी। बाबूजी, मेरे अंदर ये जो हिम्मत है, ताकत है, ये कहाँ से आई? आप ही की तो दी हुई है ना।
महाराज आपको ही इस पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन लेकिन क्या? एक तो आप बोलते नहीं हैं, और जब बोलते हैं तब सिर्फ स्नेहा की तरफदारी करते हैं। अब बाप बेटी ने तय कर ही लिया है तो मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? मैं चली भोपाल, अब चुनाव के बाद ही लौटूंगी। सुनो, अरे सुनो तो, अलका। माँ, माँ। बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो बेटा। ये जो फैसला मैंने लिया है, ये सही है या गलत? आपकी क्या राय है? बेटे, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। अरे मधोक साहब, इतनी रात को फोन करने का क्या मतलब? अरे बाबा, सो गए थे क्या? अब सोए हुए इंसान से पूछ रहे हो कि आप सोए हुए? उठ गए, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस मैं इतना जानना चाहता था कि आपकी रैली कैसी रही और पब्लिक को आपकी नई अच्छी इमेज कैसी लग रही है? अरे बहुत बढ़िया लगी, और कैसी लगी? पब्लिक तो झूम रही थी, और झूमती भी क्यों ना। अरे हमारी विनोदी बहन की पर्सनैलिटी है ही ऐसी। अच्छा बाबा, ये जो रैली के दौरान आपने पकौड़े और मिठाइयाँ बंटवाई हैं, सुना है वो आइटम बड़ा हिट रहा? अरे वो तो करना ही पड़ता है ना, पार्टी का मामला है, कभी मिठाई कभी नमकीन, भाई दोनों पहलू संभालने पड़ते हैं ना। चुन चुन कर सपने बुन बुन कर वो आते हैं। बाबा और फरमाइएगा। चुन चुन कर सपने बुन बुन कर वो आते हैं, आंधी में तिनके बन बन बिखर जाते हैं। अब आए ना। अच्छा चलो बताओ, इतनी रात को फोन क्यों किया? हमारी नींद उड़ाने का प्रोग्राम बनाया होगा और क्या। अब बाबा, नींद उड़ेगी नहीं उड़ेगी पता नहीं, पर हमारे कानों में उड़ती उड़ती खबर जरूर आई है, सोचा आपको बता दें। तो हमारे कानों तक भी पहुँचा दो महाराज। बाबा वैसे मेरा मानना है कि उस चुनाव में मजा ही नहीं, कम से कम जिसमें दो प्रत्याशी ना हो। नहीं क्या ट्रेलरबाजी कर रहे हो, सीधा फिल्म पे आओ ना, खबर क्या है ये बताओ। खबर ये है बाबा कि विनोदी बहन के खिलाफ डॉक्टर स्नेहा माथुर चुनाव लड़ रही हैं। बाबा, बाबा आपको आवाज आ रही है मेरी? आ ही रही होगी, तो हमारी तरफ से शुभ रात्रि स्वीकार करिए। गुड नाइट बाबा। हम मातम मना रहे हैं और आप है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अरे विनोदी, हमारे मन में दर्द नहीं हो रहा क्या है? हमारा माता मनाने का मन नहीं कर रहा क्या? लेकिन मर्दों को अलाउ नहीं होता ये सब करने का। हमारे आंखों के सामने हमारे सारे सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अरे बहन, भाई सपना देखने के लिए तो आंख बंद करनी पड़ेगी ना, और चकनाचूर देखने के लिए आंख खोलनी पड़ेगी। अरे ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सब आसन से ना सब यात्रा की ड्योढ़ी तक पहुंच गए, और आपको एक ही मजाक सूझ रहा है। हम तो ऐसे ही साइंस की बातें कर रहे थे, जस्ट टेक्निकल टॉक। कोई वक्त है मजाक करने का, ज्ञान बखारने का? अरे तुम क्या सोच रही, मतलब हमें परेशानी नहीं हो रही क्या? हमारे सीने में दर्द नहीं हो रहा? अरे हमारे सीने में तो ऐसी आग लगी हुई है कि कलेजे में से ना खट्टी टकारों की ज्वालामुखी फूट रही है। आज अगर वो यहां होता ना,
लेकिन अब क्या होगा? अब पछताया क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत? आज वो यहाँ होता, अरे कौन यहाँ होता? दिगंबर, अपना दिगंबर। दिगंबर? अरे उका खेत तो हम ही लोग चुग गए, उका जेल भिजवाए के। वही तो गलती हो गई। जैसा भी था ना, भले ही चाहे उसमें 100 ऐप थे, दुनिया भर का निकम्मा था, अरे नजरों का भी छिनल्ला था, लेकिन था एक नंबर का जुगाड़बाज। आज अगर वो यहाँ होता ना तो तोड़ फाड़ आइडिया देता। अच्छा तो जाओ और जाके कह दो, हे परम प्रिय दिगंबर जी, हमने आपको जेल भिजवाया है, उसके बदले में आप जो है हमको वो आइडिया का तोड़ फाड़ आइडिया दे दो। अरे जो चीज होने वाली नहीं है उसके बारे में उम्मीद करते। तोड़ फाड़ आइडिया? तोड़ फाड़? पहले तोड़ के बारे में बताएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, झूठ बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हें ये दिला देंगे, तुम्हारा वो करवा देंगे, वो हो जाएंगे मंत्रमुग्ध। वो ही तो सोच रहे हैं, ये है तोड़ फाड़। पर फाड़ेंगे का? स्नेहा माथुर का चरित्र? नहीं नहीं बाबा जी, उसका चरित्र तो दूध का धुला हुआ है। 5 लीटर दूध में भी बहना 2 बूंद अगर नींबू के निचोड़ देना तो दूध फट से फट जाता है। 2 बूंद काफी है उसे फाड़ने के लिए। बाबा जी ये कोई बखत है? नींबू मिर्ची जादू टोना, ये कहाँ फिजूल का तंत्र मंत्र लेके बैठ गए आप? बहना नजरों से दूर न रहना, तेरी समझ में नहीं आ रही हम क्या बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर को लेके कितनी गलत फहमियां फैलाऊंगा, झूठे गवाह खड़ा कर दूंगा, अरे इतनी कीचड़ उछालूंगा, इतनी कीचड़ उछालूंगा उस पे कि वो ढूंढती रह जाएगी कि दामन कहाँ है और दाग कहाँ है। ओ बाबा जी। हाँ बहना जी। आपके मुंह में घी शक्कर? आपके भी। दोस्तों हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है एक खास ऐलान करने के लिए। हम डॉक्टर स्नेहा माथुर के नेतृत्व में सुकून हेल्थ सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक आइडियल यानी आदर्श हेल्थ सेंटर बनेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है। आदर्श का मतलब जरा विस्तार से समझाएंगे आप? यह आदर्श डॉक्टर स्नेहा माथुर का सपना है प्रतापपुर के लिए। इस विषय में डॉक्टर स्नेहा माथुर से बेहतर आपको और कौन बताएगा? डॉक्टर स्नेहा माथुर। नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए। डॉक्टर स्नेहा, ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? महिला स्वास्थ्य के मौजूदा हालात देखकर। डॉक्टर स्नेहा, आप किस टाइप के हालात की बात कर रही हैं? देखिए, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का एक गहरा असर पूरे परिवार पर होता है। वो कहावत आम है कि अगर घर की महिला बीमार तो बीमार सारा परिवार। पूरी तरह अध्ययन करके हमने बुनियादी तौर पर 3 मुद्दों को पहचाना है। पहला, बहुत नजदीक। दूसरा, बहुत ज्यादा। और तीसरा, बहुत जल्दी। डॉक्टर स्नेहा, आप इस बात को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी देखिए, बहुत नजदीक यानी 2 बच्चों के जन्म के बीच का अंतर। हमारे देश में 69% महिलाओं के पहले और दूसरे बच्चे के बीच का अंतर 36 महीनों से कम है, जबकि ये कम से कम 3 साल होना ही चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर। इसे कहते हैं बहुत नजदीक। और ये बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा आबादी। हमारे देश के 14% बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार के चौथे या उससे भी ज्यादा नंबर की संतान है, यानी हर 7 में से 1 बच्चा ऐसा है जो अपने परिवार का चौथा बच्चा है, जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है बच्चे की देखरेख पर। इसे कहते हैं बहुत ज्यादा। और बहुत जल्दी ये
हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। हम अपनी लड़कियों का बचपन छीन कर उन्हें माएं बना रहे हैं। 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच की लगभग 8% लड़कियां हमारे देश में गर्भावस्था में हैं। इनमें से 5% अपने बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, या फिर 3% की कोख में उनका पहला बच्चा पल रहा है। इसे कहते हैं बहुत नजदीक। फिर तो कुपोषण को माल न्यूट्रिशन को खुला न्योता देने जैसा हो गया। एग्जैक्टली अगर हमारी बच्चियां ही बच्चे पैदा करेंगी तो ये खतरा तो होना ही है। और एक सच ये भी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे यानी NFHS-4 के अनुसार हमारे देश में 1.29 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहती हैं। तो फिर वो अंतर रख क्यों नहीं पाए? इसके 2 पहलू। पहला ये कि गर्भ निरोधक के विकल्पों का ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है, या फिर ये उनके लिए उपलब्ध नहीं। और दूसरा ये कि गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये फैसला उनके लिए अक्सर उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि सास या पति लेते हैं, और उसका गहरा असर माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैसा सर? जान का भी जोखिम है। हमारी 1 लाख में से 130 महिलाएं ऐसी होती हैं जो गर्भावस्था के दौरान मृत्यु को प्राप्त होती हैं। हर 1,000 में से 39 बच्चे अपने जन्म के 5 साल के भीतर ही मर जाते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक इस आंकड़े को 130 से घटाकर 70 तक ले आए। गर्भ निरोध के विकल्पों में नसबंदी का क्या योगदान है? अगर सभी आंकड़ों को मिला लिया जाए तो महिला नसबंदी की मात्रा 75% और पुरुष नसबंदी की मात्रा सिर्फ 1%। सबसे पहले तो इस मामले में समानता लाने की जरूरत है। पर ऐसा क्यों मानती आप? वो इसलिए क्योंकि महिलाओं को नसबंदी का विकल्प सिर्फ तभी चुनना चाहिए जब उन्हें आगे कोई बच्चा पैदा ना करना। और फिर आज के जमाने में IUD यानी कॉपर्टी, गोलियां और इंजेक्टेबल्स यानी सुई जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो कि शायद उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा, आपका ये सुकून? मेरा नहीं, प्रतापपुर का सुकून। ओ सॉरी, मेरा कहना है कि ये एक बिग आइडिया है, लेकिन इसका आयोजन एक छोटे से गाँव में क्यों? क्योंकि यहीं पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इलाज को वहां पर होना चाहिए जहां पर मरीज हो। ओह, तो ये कारण है सुकून का? बिल्कुल। देखिए, साधन का होना और उसका उपलब्ध होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, खास करके हमारे गांवों में। मतलब? मतलब ये कि हमें मरीज को साधन तक नहीं लाना है, बल्कि साधन को मरीजों तक पहुंचाना है। डॉक्टर स्नेहा, आप ये बता सकते कि आप ये काम कैसे करने वाली हैं? जी बिल्कुल, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आशा, ANM कार्यकर्ता, ये सभी सिर्फ स्पेशलिस्ट नहीं है, ये हमारा प्रचार विभाग है। ये गांवों में लोगों तक जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उन सभी तक सुकून को पहुंचाएंगे। डॉक्टर स्नेहा, एक आखिरी सवाल। हालांकि ये सुकून से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी बदलाव को लाने के लिए जरूरत सिर्फ दिशा की नहीं है और नहीं संकल्प की, बल्कि जरूरत है कि ऐसे औपचारिक अधिकार की, एक ऐसे ताकत की। आप क्या कहना चाहते हैं? हमने सुना है कि आप सरपंच के चुनाव के लिए खड़ी हो रही हैं, क्या ये बात सही है? आप सबने सही सुना है, मैं इस बार प्रतापपुर में सरपंच के पद के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो रही हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने देखा कि हमारा एक आदर्श स्वास्थ्य केंद्र यानी सुकून स्वास्थ्य केंद्र का सपना पूरा होने जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी, स्वास्थ्य भी हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पर गरीब का भी उतना ही हक है जितना अमीर का। पहले मरीज को इलाज के लिए घर से बहुत दूर तक जाना पड़ता था, पर अब हम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा गांव में उनके करीब पहुंचाएंगे। हमारे सेवा कर्मियों से मिलकर लगेगा आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि अपने ही घर में आए, और इस सपने को साकार करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज मन करता है ये कहने का कि आओ मिलकर देश का चेहरा बदल दें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। You keep.